आज हम उत्तर प्रदेश के जनपदों के मधुबन तहसील के अंतर्गत पहुंच चुके हैं फतेहपुर मंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। इन दिनों कुत्ता काटने की जो दवा मिलती है सरकारी, जो है योगी आदित्यनाथ के सरकार में, उसमें भी पैसा लिया जा रहा है। ये खबर जो है हिंदुस्तान पेपर में कल की छपी हुई है। आपको बता दें कि ऐसे ही भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वास्थ्य विभाग में आए दिन हो रहा है। और तो और यहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप लोग आप देख रहे हैं, फतेहपुर मंडा हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडा पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग आए थे पड़ताल करने के लिए, और हमारी टीम जब सुपर फास्ट न्यूज़ की जब टीम पहुंची है यहाँ पर, तो हम लोग अधीक्षक साहब से मिलना चाहे, लेकिन वहाँ पर कुछ कर्मचारी थे, बोले कि वो मीटिंग में गए हैं मऊ। आखिरकार क्या मामला है आप जो है वही बता पाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर TST में एंटी रैबिट इंजेक्शन लगवाने के नाम पर हो रही धन उगाही, इंजेक्शन के नाम पर हो रही धन उगाही और कुत्ते काटने तमाम, अभी कितने जगह और कितने बातें यहाँ पर और कितनी धन उगाही होती होगी अब यहाँ के लोग ही बताएंगे। आइए जानते हैं कि क्या मामला है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? ज़्यादा दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, अंदर से मिल जाती है। आपको कोई मरीज भर्ती है? भर्ती नहीं, दवा लेते हैं। आपको बता दें कि बृजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका मुहिम है और ऐसे ही हर जगह ऑपरेशन करते रहते हैं, जाते रहते हैं कि दवाएं जो है बाहर से ना मिले, जो भी सरकारी दवाएं हैं वो लोगों को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनके कहने का और उनके निर्देश देने का कोई भी योगी आदित्यनाथ के सरकार में कोई सुन नहीं रहा है। आखिरकार क्यों ये कब तक चलता रहेगा? योगी आदित्यनाथ के सरकार में ऐसे ही दवाओं की कब तक चिकित्सक चोरी करते रहेंगे और कब तक जो है जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा? आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। नमस्कार। ये फतेहपुर मंडा ब्लॉक का फतेहपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपको दिखा रहे थे तस्वीरों के माध्यम से। देखिए यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं और क्या क्या मामला है। सुपर फास्ट न्यूज की टीम वहाँ पर पहुँची जायजा लेने के लिए, तो पता चला कि यहाँ पर दवाएं थोड़ी बहुत मिलती हैं, बाकी बाहर से लानी पड़ती हैं। अभी जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के जगह जगह जनपदों में गए और वहाँ जायजा लिए, छापेमारी किए और दिशा निर्देश दिए कि कोई भी डॉक्टर बाहर से दवा नहीं लाएगा। लेकिन उनके दिशा निर्देश का कहाँ पालन किया जा रहा है? आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी किस तरह जो है हिला हवाली कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो फतेहपुर मंडाव में उपस्थित है। और तो और वहाँ पर एंटी रेबीज इंजेक्शन के नाम पर भी रुपए लिए जा रहे हैं। सुपर फास्ट की न्यूज वहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुँची थी, लेकिन अधीक्षक साहब राजीव पांडे जी नहीं मिले। बताया गया कि वो मऊ मीटिंग में गए हैं। आखिरकार क्या सही है, कितना सही है, देखना है कि कब तक जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडाव अपनी आदतों से बाज आता है और बाहर की दवा लिखना बंद करता है। ऐसे ही सुपर फास्ट न्यूज पर हम आपको जगह जगह से तस्वीरें दिखाते रहेंगे और पड़ताल करते रहेंगे। अगर कोई भी क्षेत्रीय या कोई भी आपको समस्या हो, कोई सरकारी कर्मचारी घूस मांगता हो या दवा के नाम पर ठगने का काम करता हो, तो आप सुपर फास्ट न्यूज से संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अधीक्षक महोदय के ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हैं, सुपर फास्ट न्यूज के प्रधान संपादक SS मिश्रा जी खड़े हैं, लेकिन कोई भी बात वहाँ पर नहीं हुई। और यहाँ पर कुछ कर्मचारी मिले, कर्मचारी बताए
कि राजू पांडे जी जो अधीक्षक हैं यहाँ के फतेहपुर मंडाव के, वो मऊ गए हुए हैं मीटिंग में, और उनको ये भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान में खबर छपी है कि वहाँ पर एंटी रेबीज के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ पर ग्रामीण कैसे जुटे हुए हैं, ना उनके बैठने की व्यवस्था है, सभी लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाते हैं, लेकिन आप धरातल पर देखें तो सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। आखिरकार क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थर मंडा में बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? और इंजेक्शन लगाने पर पैसा नहीं, यहाँ डॉक्टर मांग रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। जी बोलिए, बोलिए।